गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, हम सब अच्छे हैं। बस ये जो बिखरा हुआ काम है वो निपटाना है, क्योंकि आज है दिवाली। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। दिव्यांका हेलो को बोल दो सबको। दिव्यांका रात भर से जागी है। वो क्यों जागी मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आपको थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ कि आज दिवाली है। जैसे कि तो घर का काफ़ी काम, दिव्यांका ने सफाई कर दी है मेरे साथ, और सुबह से वो उठ गई थी 3:30 बजे, उसके बाद नहीं सोई है। तो उसने काफ़ी चीज़ें ड्रॉअर वगैरह साफ़ कर दिए, ड्रेसिंग टेबल का भी साफ़ कर दिया, और जितनी भी उसने पेंटिंग बनाई थी उसमें से सारी पेंटिंग ख़राब हो गई है। पर ये इनमें से, इन दोनों पेंटिंग्स में मेरा अटैचमेंट ज़्यादा है, इसलिए ये मैंने अभी रख ली है, क्योंकि ये थोड़ी सी साफ़ है और ये वैसे भी ख़राब हो चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे पतिदेव की पेंडिंग है, इसलिए मैंने रख ली है। तो थोड़ा सा ये सामान उठाना है, क्योंकि मंदिर लॉबी में ही लगेगा, यहीं पर लगेगा। दूसरा दरवाज़ा ठंड बढ़ने लगी इसलिए बंद हो गया है, वो बंद कर देंगे अब। उसकी साइड से जो हवा आती है वो उसमें न्यूज़पेपर लगा देंगे। दिव्यांका के कुछ प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाने हैं, लेकिन बस दिवाली से फ्री होकर फिर कल यही काम करेंगे। और मेरा भी डिस्प्ले वाला काम चल रहा है, क्योंकि मुझे रेड क्रॉस का डिप्लोमा लेना है। मेरे 2 साल हो गए हैं वहाँ पर, तो मुझे तकरीबन साल का डिप्लोमा मिलेगा, क्योंकि बीच बीच में मैंने महीना महीना डेढ़ डेढ़ महीना छुट्टी भी की है, जब दिव्यांका और उसके पापा बीमार हो गए बीच में। तो पूरा प्रॉपर नहीं लगाया, पर साल भर का डिप्लोमा मुझे मिलेगा अगर मैं डिस्प्ले में जो भी चीज़ें वहाँ बनाते हैं वो बना लूँगी, और जितने भी ड्राफ्ट वगैरह होते हैं वो तैयार कर लूँगी, मतलब वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो ये मेन मेन अपडेट हो गई हैं। अभी वो जो दिए हैं वो भिगोने हैं, और थोड़ा सा ये काम बचा है, और पोछा रह गया है, बाकी सारा काम हो गया। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ही स्टार्ट करेंगे। और एक नई चीज़ घर पे आई है, जिसकी वजह से दिव्यांका जाग रही है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और पतिदेव के पास है, और मैं भी चाय पी लेती हूँ, मैंने चाय बना ली अपनी। ये देखिए मेरी वाली चाय, अब मैं इसको पीऊँगी, थोड़ा धूप में खड़ी हो जाऊँगी, रेस्ट कर लूँगी। मतलब सुबह से काम ही कर रही हूँ और रात से सो नहीं पाया ढंग से, क्योंकि पहला दिन था बच्चे का। तो आइए आपको मिलवाते हैं छोटी सी बेबी से। तो धूप निकल चुकी है, ये कपड़े कुछ धोए थे कल वो पड़े हैं, और मौसम कुछ ऐसा है, ठंड पड़ गई है, लेकिन धूप तो है ना। और इधर है पतिदेव। जन जी हेलो कर दो, हेलो कीजिए, आप हेलो कीजिए, तो अनु कह रही है मैं हेलो। तो ये है हमारा ऑसवर्ल्ड, हेलो ऑसवर्ल्ड। लो जी, इस रूम की सेटिंग हो गई है, ये हटाई है सेटिंग, क्योंकि नीचे से झाड़ू पोछा लगाया अच्छे से, और हमने बच्चे को नहला भी दिया। आपको दिखा देती हूँ, चू चू चू। हेलो, ठीक बैठ जा फिर। तो जी तकरीबन बहुत से काम हो गए हैं, और दिव्यांका सो रही है, क्योंकि वो रात से जाग रही थी। उसने बोला कि मैं बाद में नहाऊंगी, पहले मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि वो रात से जाग रही है। तकरीबन वो बोल रही है मैं 1-1.5 बजे से जाग रही हूँ, जब आप जाग रहे थे उसके बाद उसको नींद नहीं आई थी। फिर जब मैं सोई हूँ उसके बाद वो बोल रही है 3:15 बजे के बाद मैं उठी हूँ, ताकि मैं इसको घुमा दूँ। दिव्यांका 5 बजे कभी बाहर नहीं निकली, और 5 बजे वो इसको लेके बाहर निकली है घुमाने के लिए। फर्स्ट डे था इसका, इसलिए थोड़ी सी परेशान हुई है ये, अदरवाइज तो नहीं। ये फीमेल डॉग है, और मेरे पास एक पहले भी एक बच्चा था ऑसवर्ड, उसी का नाम इसको दिया है, क्योंकि इसको देख के उसी की फील आती है। ये बहुत समझदार है, सेम उसी की तरह है, बस रंग का फ़र्क है। ये गार्लिक कलर में है, और गोल्डन रिट्रीवर थोड़ा सा गोल्डन कलर में है, और वो ब्लैक कलर में था मेरा ऑसवर्ड। तो अभी वैसे भी कन्फ्यूज़ है, पतिदेव बोल रहे हैं इसका नाम चेंज करो, गार्लिक या कुछ और रख लो, लेकिन ऑसवर्ड मत रखो। पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं, कहते लड़कों वाला नाम है। तो दिव्यांका को और मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस नाम से, क्योंकि मेरे दिल के तो बहुत करीब है। बाकी देखते हैं, अभी ना सो रहा है मेरा बच्चा, ये देखो धूप में।
मैं क्या अच्छे से सूख जाए। और पतिदेव गए हैं पूजा का सामान लेने, पूजा का मतलब प्रसाद का सामान लेने, क्योंकि कुछ एक चीज़ें मैं भूल गई हूँ। मैं गुड़ भूल गई थी प्रसाद के लिए, और सूजी और दलिया, ये तीनों चीज़ें अभी स्पेशल लेने गए हैं वो, तो वो आ जाएंगे। उसके बाद मैं नहा के, क्योंकि इसको अकेला नहीं छोड़ सकते, बाहर बंदर बहुत हैं, अभी वो आएंगे, इसको देखेंगे, फिर मैं नहाने जाऊंगी। नहाने के बाद मैं प्रसाद बनाना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि 12 बजे का टाइम है, 12 बज चुके हैं और हमने अभी भी ब्रेकफास्ट नहीं किया। दिवाली को हमेशा ऐसा ही होता है कि हमारा लंच ब्रेकफास्ट का कुछ पता नहीं होता, हम सिर्फ काम करते रहते हैं, प्रसाद वगैरह में मैं लगी रहती हूँ और ये सजावट में लगे रहते हैं, उसी में दिन निकल जाते हैं। और दिव्यांग का इंटरेस्ट नहीं लेती है इन सब चीज़ों में, उसका अपने प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होते, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, जैसे ही प्रसाद वगैरह बन जाएंगे उसके बाद, और जैसा भी माहौल होगा दिखाते हैं, और रात का व्यू मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि आज ज़्यादा अच्छा लगेगा व्यू। हाँ जी, अच्छा बेचारा मोंटी भी लेट है, हूँ ही मैंने मिलया सी, कहते मैं शिमले गया आया सी तो करके लेट हो गया। मैं कहा चलो कोई नहीं बाबा, ये तो होती तो नहीं है, क्यों नहीं। देखिए यहाँ दिए जल गए हैं, दिव्यांका ने हेल्प करवा दी, और कुछ ऐसा सजा है हमारा घर, ये यहाँ से दिखाती हूँ। लो जी, दिवाली दिवाली बोल रहे थे, दिवाली भी निकल गई और रोशनी बहुत अच्छी हुई है घर के आगे, दिए जला दिए, और अभी मेरे को सब्जी भी बनानी है, 8 बजने वाले, बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई है और काम बहुत ज़्यादा था आज। मैंने ये सूट पहना है, मेरी बहन ने दिया था मुझे, और इसके साथ दुपट्टा मिल नहीं रहा था, जल्दबाजी में मैंने दूसरे सूट का दुपट्टा ले लिया पूजा करने के लिए। और अभी मुझे थाली देने जाना है, उसके बाद मुझे सब्ज़ी भी बनानी है, और अभी काजू कतली भी बनानी है, क्योंकि दिव्यांका ने डिमांड की हुई है, अगर पूरी ना हुई तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगी बुरी तरह से।
तो अभी वो भी करना है। तो आज का कुल व्लॉग यही था। ऑसवर्ड को भी मत्था टिका दिया, दिव्यांका ने, मैंने और इसके पापा ने भी मत्था टेक लिया। हमारी पूजा पाठ हो गई अच्छे से और बस अभी खाना खाना है क्योंकि पेट में दर्द हो रही है। खाली पेट, बहुत ज़्यादा खाली पेट हो गया आज, ढंग से कुछ नहीं खाया हमने। बस फटाफट सब्ज़ी बनाती हूँ, पहले थाली देकर आती हूँ फिर सब्ज़ी बनाती हूँ फटाफट। तो जी आप सबको दोबारा हैप्पी दिवाली, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।